here to subscribe. मिस्टर स्टीम का नया काम। आज टीटी पो की छुट्टी है। एरिक। टीटी पो, गुड मॉर्निंग। तुम बाहर खेलने चलोगे? मैं नहीं जा सकता, मुझे दोपहर में कुछ काम है। काम है? तो आज मैं क्या करूं? तुम मिस्टर स्टीम के पास क्यों नहीं जाते? मिस्टर स्टीम कौन है एरिक? वो पुराने जमाने के भाप के इंजन है, उनके साथ बहुत मजा आएगा, काफी मजेदार कहानियाँ सुनाते हैं। मजेदार कहानियाँ? वो पुराने जमाने के किस्से सुनाएंगे तुम्हें। उनसे मिलने का मन कर रहा है। वो शहर के बाहर एक स्टेशन पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एरिक। मस्ती करना टीटी पो। हाँ जरूर। कहाँ पर होंगे वो? ओ, जरूर यही मिस्टर स्टीम होंगे, मजा आएगा। जरा सुनिए। लगता नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, कौन हो तुम? मेरा नाम है टीटी पो। टीटी पो, मिलकर खुशी हुई, मुझे स्टीम कहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? एरिक ने कहा आपसे मिल लूं, उसने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी और मजेदार कहानियाँ हैं। ऐसा कहा? जी, मैं उनमें से कुछ मजेदार कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। जरूर सुनाऊंगा तुम्हें, अब कौन सी कहानी सुनाऊं मैं? क्या तुम जवान मिस्टर हर्ब की कहानी सुनना चाहोगे? जवान मिस्टर हर्ब, जरूर सुनना चाहूंगा। इस बोर्ड पर बनी तस्वीर को ध्यान से देखो। बोर्ड पर बनी तस्वीर? ये तो मिस्टर हर्ब है। ये मिस्टर हर्ब है। इस तस्वीर में ये आदमी सच में मिस्टर हर्ब है? वही है, पहचानना मुश्किल हो रहा है ना? जी। उन दिनों तुम्हारे मिस्टर हर्ब बहुत सारी गलतियाँ किया करते थे। मिस्टर हर्ब गलतियाँ किया करते थे? बिल्कुल, मुझे जवान हर्ब अच्छी तरह याद है। हर्ब, कहाँ चला गया ये? हर्ब, कहाँ हो तुम? याम 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 याम। स्टीम, इतनी देर से तुम अंदर क्या कर रहे थे? जरा मेरी आंख लग गई थी। जवान हर्ब हमेशा झपकियां ही लेता रहता था। मैं अपने दोस्तों को जाके ये कहानी सुनाऊंगा, सब हैरान रह जाएंगे। तो अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। परसों पहले पुरानी तरह की ट्रेन। मिस्टर स्टीम और टीटी पो ने पुराने जमाने की मजेदार कहानियां सुनते सुनाते अपना समय बिताया। अपनी कहानियां सुनाने के लिए शुक्रिया। अगर अच्छी लगी है तो फिर से आना तुम। जी जरूर। हाँ, आपका रूट कितने बजे है? मैं पुराने जमाने की रेल हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं दिया जाता। तो फिर आप पूरा दिन खड़े रहते हैं? हाँ। अच्छी किस्मत है, आपको काम नहीं करना पड़ता और आप पूरा दिन सो सकते हैं। अगर कर पाता तो मैं काम जरूर किया करता टीटी पो। हाँ, वैसे यहाँ खड़े खड़े आप बोर हो जाते होंगे ना? हाँ। जब छुट्टी हो जाए तो मेरे साथ घूमने चलिए। घूमने? लेकिन मुझे रास्ते नहीं पता और अब उम्र भी हो गई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, हम घूमने के लिए चलेंगे। टीटीपो, टीटीपो। काम खत्म करके टीटीपो मिस्टर स्टीम के साथ घूमने निकल पड़ा। बाहर आकर बहुत मजा आ रहा है। आपको अच्छा लगा? हाँ, जरा उधर देखिए। हाँ? वो है बंदरगाह। अरे वाह, ये कितना बदल गया है। अच्छा। बंदरगाह बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा है, कमाल है। अब मैं आपको वो रूट दिखाऊंगा जिस पर मैं जाता हूँ। ओ, ठीक है। हेलो। हाय सिंग सिंग, बाय। क्या अभी कुछ निकला था यहाँ से?
वो मेरी दोस्त है सिंह सिंह, बहुत तेज चलती है। सच में तेज है। ये मेरे रूट पर आने वाले स्टेशन में से एक है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। दुनिया वाकई बहुत बदल गई है। वाह, देखो मम्मी, वो ट्रेन कितनी अच्छी और अलग है। अरे हाँ, शायद कोई पुरानी ट्रेन है। देखो, इसके ऊपर तो चिमनी बनी हुई है। क्योंकि मैं भाप का इंजन हूँ। मैं ये भी करता हूँ। कितना अच्छा है। क्या आप मुझे घुमा देंगे प्लीज? घुमा दूं? नहीं बेटा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आओ बेटा चढ़ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर स्टीम। आप ले जा पाएंगे ना? हाँ, कोई परेशानी नहीं, एक बार फिर से काम करके मजा आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। मिस्टर स्टीम को रूट पर जाकर मजा आ रहा होगा। मिस्टर स्टीम अगले स्टेशन पर पहुंच गए। आप ठीक है मिस्टर स्टीम? हाँ, बस थोड़ी सी खांसी है। मुझे लगता है ये मामूली खांसी नहीं है। लो, हम पहुंच गए स्टेशन। इसके बहुत मजा आया। एक बार और शुक्रिया। कोई नहीं, थोड़ा आराम करते हैं। मिस्टर स्टीम, मैं हूँ एरिक। आप इतनी दूर से यहाँ तक कैसे आ गए? ओह, हेलो एरिक। टिटिपो और मैं घूमने निकले हैं। मिस्टर स्टीम ने कुछ लोगों को सैर भी करवाई। वाह, क्या बात है। सॉरी मिस्टर स्टीम, पर मुझे अगले स्टॉप पर जाना होगा। अच्छा, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। मिस्टर स्टीम, क्या हुआ? मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। एरिक, माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। मैं मदद के लिए फिक्स को बुला लेता हूँ। ठीक है, शायद मुझे बाहर आना ही नहीं चाहिए था। फिक्स मिस्टर स्टीम को टीओ के पास ले जा रहा है। मिस्टर स्टीम, जांच के बाद आप बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। सारी मेरी गलती है, मुझे आपको बाहर नहीं लाना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, उस बच्चे को घुमाने ले जाना मेरी गलती थी, और एरिक को भी मेरी वजह से ही देर और परेशानी हुई। लगता है अब घूमना मेरी किस्मत में नहीं। मिस्टर स्टीम, हेलो मिस्टर हब। ओ, आ गए तुम। मैंने स्टीम के बारे में सुना, क्या हो गया था आज? वो वहाँ खड़े खड़े बोर हो गए थे, तो मैं उन्हें बाहर ले गया था, लेकिन फिर स्टेशन पर अचानक से उनका आगे बढ़ना रुक गया। समझ गया, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, असल में रिटायर होने के बाद स्टीम में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, तो मैं सोच रहा था कि उसकी मदद कैसे की जाए। अच्छा, जब वो काम करता था तो बहुत ही हंसमुख और जोशीला हुआ करता था। जानता हूँ, जब उन्होंने कुछ लोगों को सैर करवाई तो वो बहुत खुश थे। हाँ, ये ठीक रहेगा मिस्टर हब, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा? मिस्टर स्टीम को यात्रियों को घुमाना पसंद है ना, तो मैं सोच रहा था शायद उन्हें ये करना अच्छा लगेगा। अगला दिन शुरू हो चुका है, शायद मिस्टर स्टीम की जाँच पूरी हो चुकी है। हाय मिस्टर स्टीम, आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, अब पहले से ठीक हूँ। टीटीपो। हेलो मिस्टर स्टीम, गुड मॉर्निंग डियर। मॉर्निंग। हेलो। हेलो टीटीपो। मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ। स्टीम, कैसे हो तुम? ओह, हर्बी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सवाल पूछना है? आज से मैं स्टीम ट्रेन का टूर शुरू कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसे लेकर जाओगे। स्टीम ट्रेन का टूर? आप वे स्टेशन के आसपास यात्रियों को घुमाएंगे? वाह, ये तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। यात्रियों को घुमाना है? तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल, मैंने आपके कुछ पुराने पुर्जे बदल दिए हैं, तो आप अब बिल्कुल तैयार हैं। सच? तो मैं दोबारा यात्रियों को घुमाऊंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे शुक्रिया मत कहो दोस्त, ये आइडिया तो मुझे टीटीपो ने दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया टीटीपो। ऐसा करने के लिए शुक्रिया टीटीपो। कोई बात नहीं। वाह, कितने सारे लोग हैं। मिस्टर स्टीम आज बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश। सब लोग बैठ गए हैं तो चलूं? हाँ। तो टूर शुरू करते हैं। दूसरी पारी की बधाई हो स्टीम, यूं ही चलते रहो। मजा आ गया। मिस्टर स्टीम फिर से सफर पर निकल पड़े। आपकी यात्रा अच्छी हो मिस्टर स्टीम। डीजल को जलन हुई। बहुत सुहानी सुबह है। डीजल और लोगो काम के लिए जा रहे हैं। हाय मिस्टर। गुड मॉर्निंग। हेलो डीजल, लोगो। एक मिनट रुको, तुम्हें एक साथ काम पर जाना है। जी। लोगों को काम के बारे में पता नहीं, इसलिए डीजल तुम उसे समझा देना। जी जरूर समझाऊंगा। लोगो मेरे साथ साथ चलना। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। जी बिल्कुल। शाम को मिलेंगे मिस्टर हब। गुड बाय। तो ये है हार्बर। क्रेनी के पास चलकर कंटेनर्स लोड करवाते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग क्रेनी। आओ, सही समय पर पहुंच गए। क्रेनी, आज कंटेनर्स धीरे धीरे लोड करना। धीरे? क्यों? लोकुन नया है, इसलिए उसे दिखाना कि काम कैसे होता है। ठीक है, मैं समझ गया। तो चलो अब शुरू करते हैं हम। लिफ्टिंग, लोडिंग, लोडिंग। लोको, ध्यान से देखो, हर कंटेनर के बाद थोड़ा आगे बढ़ो ताकि क्रेनी को अगला कंटेनर रखने में कोई दिक्कत ना हो। मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से। समझ गया। अब जब डीजल का हो गया, अब मेरी बारी है क्रेनी। ठीक कहा बच्चे। ये उठाया उठाया और ये रखा। अनलोड के बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए जैसा डीजल ने मुझे सिखाया है। अब यहाँ रुक जाना चाहिए। मैं अगले कंटेनर के लिए तैयार हूँ। ओहो, जल्दी सीख गए। तो लो, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा। लो, तैयार हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँ, पहले दिन तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा अच्छा किया है लोगों ने डीजल। कुछ भी बोलते रहते हो तुम। अब हमें चलना चाहिए। साथ चलो लोगो। बाय, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? लोगो अच्छा है क्योंकि मैं उसे सिखा रहा हूँ। लोगो और डीजल खदान में पहुंच गए। बस थोड़ा सा और आगे आ जाओ तुम। ठीक है। हाँ काफी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया लोगो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नई ट्रेन तो बहुत समझदार लगती है। तुमने ठीक कहा। और इसका तो आज पहला दिन है काम पर। बहुत बढ़िया। मैंने इसे सब कुछ सिखाया। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि डीजल क्या चीज है। मैं भी लोडिंग के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मैं इन्हें हैरान कर दूंगा। शायद अब मुझे चलना चाहिए। वहाँ पर तो काम चल रहा है। रुक जाओ लोको। अरे रुको, डीजल। अरे रुको डीजल, इसे क्या हो गया? रहा है लोको, रुक जाओ लोको। तुमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का निशान नहीं देखा क्या? निशान? कैसा निशान? वो रहा,
जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया डीजल। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ। डीजल, तुम इस तरह भाग नहीं सकते। सारी लाइन पर पत्थर गिर गए। मैं भूल गया। मैं माफी चाहता हूँ। तुमने नौसिखियों वाली गलती की है डीजल, जबकि लोगों ने अच्छे से लोड कराया। डीजल तुम थोड़ा ध्यान से काम करो। एक तो लोगों की मदद करो और ऊपर से इन सब की बातें भी सुनो। काम पूरा करने के बाद डीजल और लोगों वापस शहर की ओर चल पड़े। लेकिन डीजल का मूड तो कुछ खराब सा है। हम वापस आ गए मिस्टर हब। अच्छा काम किया दोनों ने। लोगों, काम का पहला दिन कैसा रहा? वो आज डीजल ने मुझे लोगों, मैंने आज तुम्हारे काम की बहुत तारीफें सुनी हैं। वाह! ज्यादातर रेल डर की वजह से गलतियाँ कर देती है। तुमने कमाल कर दिया लोगो। शुक्रिया। डीजल को ये देखकर बुरा लगा कि सिर्फ लोगो को ही शाबाशी मिली। किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि लोगो को अच्छा काम करना इस डीजल ने सिखाया है। जीनी, कोई जरूरी काम है। मिस्टर हब तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें पता है उन्हें क्या काम है? मुझे नहीं पता, बाकी सारी रेल वहाँ पहुँच चुकी है। जल्दी चलो। अच्छा, तो फिर चलते हैं। अरे तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, सब लोग आ चुके हैं, शुरू करते हैं। आज के बाद से माल ढुलाई का काम डीजल नहीं लोगों करेगा, वो अच्छा करता है। सच में? लोगो चूचू टाउन की सबसे अच्छी मालगाड़ी है। तो फिर मैं कौन सा काम करूंगा अब? तुम लोगो के सहायक बन सकते हो। क्या? मैं इसका सहायक बनूं? ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं नहीं बन सकता। शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो क्या आइडिया आया है मुझे। चीपो, चीपो। अगली सुबह हो चुकी है। डीजल कुछ ज्यादा ही माल बोगियां ले जा रहा है। आज मेरी ताकत देखकर सब तारीफ करेंगे। डीजल तो कमाल का है। लोगों से तो काफी बेहतर है डीजल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीजल। अरे आज इतनी माल बोगी क्यों ले आए हो? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। तुम्हें पक्का विश्वास है डीजल? मुझे तो ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, लोडिंग हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डीजल, तुम्हें लगता है कि तुम ये खींच पाओगे? कोई शक नहीं है डीजल। हाय लोगो। तुम्हारा स्वागत है लोगो। गुड मॉर्निंग सर। वाह डीजल, तुम्हारे पास तो बहुत सामान है। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जोर लगाऊं? पहले ही कहा था, तुम कुछ ज्यादा ही लोड ले जा रहे हो। अब हम क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। हाँ बोलो। क्यों ना डीजल और मैं सामान को बराबर बराबर बांट लें? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। ये सामान हार्बर लेकर जाना है ना? हाँ ठीक है। तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, खुद ही रास्ता ढूंढ लेना तुम। बाय। डीजल। हाय डीजल। हेलो। लोगो कहाँ है? तुमने उसी को पूछोगी जीनी? हाँ। जानता हूँ कि तुम उसकी तारीफ करना चाहती हो, जबकि मैंने उसे सब कुछ सिखाया है और तारीफें उसको मिल रही हैं। ये ठीक बात नहीं है। क्या कह रहे हो, सब तुम्हारी भी तारीफ कर रहे हैं।
जीनी टिटिपो आ गए तुम लोग। मिस्टर हब, क्या लोको ठीक काम कर रहा है? उसे परेशानी हो रही होगी। वो अच्छा काम कर रहा है, मुझे चिंता थी, लेकिन डीजल की वजह से वो ठीक से सीख रहा है। ठीक कहा आपने, सब कह रहे हैं डीजल एक बहुत अच्छा टीचर है। वाह, डीजल कमाल का है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, लोको ने भी कहा उसने सब कुछ तुमसे सीखा है। लोको ने कहा? तो तुम्हें पता है वो इस समय कहाँ पर है? वो हार्बर गया था। वापस आते हुए मैंने देखा था बंदरगाह के ट्रैक पर काम चल रहा था, वो ठीक तो होगा ना? काम चल रहा था? मैं जल्दी मिलता हूँ तुमसे। परेशान होकर डीजल लोको को ढूंढने निकल पड़ा। लोको को अभी रास्तों का पता भी नहीं है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो? ऐसा नहीं होना चाहिए। डीजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोको, तुम ठीक तो हो ना? क्या? हार्बर जाने वाली लाइन पर काम चल रहा है, तुम अकेले गए तो मैं डर गया। हाँ, चिंता मत करो, तुमने सब अच्छे से सिखाया था। क्या मैंने सिखाया? क्या तुम्हें याद नहीं है डीजल? जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। जब मैं हार्बर जा रहा था मैंने वही निशान देखा तो मैं दूसरे रास्ते चला गया। हाँ सही कहा, मैंने ही तो कहा था। हाँ। लोको, तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया डीजल। कहा था ना, मेरे साथ रहोगे तो सब सीख जाओगे। ये सच है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, एक शानदार और मजबूत मालगाड़ी। लोको, अगर जमकर मेहनत करोगे तो जल्दी ही मेरे जैसे बन जाओगे। वाह, पक्की बात? पक्की बात। डीजल की वजह से लोको ने पहले ही दिन अच्छा काम किया। शाबाश डीजल। आंधी से डर लगता है। आज सुबह बहुत तेज हवा चल रही है, वो देखो छोटी ट्रेन्स एक साथ खड़ी हैं। बाहर तेज हवा चल रही है। हाँ, डर लग रहा है। हवा से डरने वाली क्या बात है, डरपोक बिल्ली कहीं की। क्या कहा तुमने? हम डरपोक बिल्ली नहीं है। तुम यहाँ पर हो? छुप के बैठे हो दोस्तों। हेलो, क्या हवा बहुत तेज चल रही है? ऐसा लग रहा है कि आंधी आएगी, इसलिए अपना ध्यान रखना तुम सब। ठीक है। क्यों? क्या आंधी खतरनाक होती है? बहुत, आंधी आती है तो हादसे होते हैं। बिल्कुल ठीक। याद है पिछली बार आंधी में क्या हुआ था? टोनी हार्बर की तरफ जा रहा था। इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? ये कैसी आवाज आ रही है? हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। उस हादसे से हम सब बहुत डर गए थे। हाँ। हवा ने टोनी को गिरा दिया था। लेकिन तेज हवा मुझे नहीं गिरा सकती। तुम्हें हवा की ताकत का अंदाजा नहीं है डीजल। तुम्हें पता नहीं आंधी पहाड़ को भी गिरा सकती है। डीजल, तुम्हें तो काम पर जाना है ना? हाँ, उसे जाना है। बेचारा डीजल। जरा सी तेज हवा से मैं नहीं डरने वाला हूँ। डीजल। जी मिस्टर हब। आज तुम्हें खदान में जाना है लेकिन मौसम बहुत खराब है, क्या तुम जा पाओगे? जी बिल्कुल। क्या तुम सच में जाओगे? हाँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना तुम। चिंता मत करो, मैं डीजल हूँ। ठीक होगा। हवा पहले से ज्यादा तेज हो गई है और बारिश भी होने लगी है। उम्मीद है डीजल ठीक होगा। इतनी बारिश में ट्रैक्स पर फिसलने का डर होता है। डीजल एक हिम्मत वाली मालगाड़ी है, वो संभाल लेगा। ठीक कहा, तुम चिंता मत करो दोस्तों। ठीक है। जी मिस्टर हब। खदान के रास्ते पर चट्टानें गिर गई हैं और एक रेल वहाँ फंस गई है, आगे नहीं जा पा रही। तुम्हारी वहाँ जरूरत है। हम जा रहे हैं मिस्टर हब। क्या हो गया? खदान के पास कई चट्टानें गिर गई हैं, एक ट्रेन वहाँ पर फंस गई है और उसे हमारी जरूरत है। खदान के पास? कहीं वो डीजल तो नहीं है ना? जब तक हम वहाँ पहुँच न जाएं ये पता नहीं चल सकता। चलो चलते हैं। आओ लिफ्ट। चलो।
अगर वो डीजल हुआ तो कोई मुझे बचाओ प्लीज। मुझे चिंता हो रही है। जीनी, मिस्टर हर्ब के पास चलते हैं और डीजल के बारे में पूछते हैं। ठीक है। डीजल, डीजल, ओह ये क्या है? इस आंधी में तो संपर्क भी नहीं हो पा रहा। बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। चलो जल्दी से काम निपटाता हूँ मैं। मिस्टर हर्ब से कोई संपर्क न होने की वजह से डीजल खदान की ओर चलता रहा। अब क्या करूँ? मुझे डीजल को बताना है कि उसकी शिफ्ट रद्द हो गई है। मिस्टर हर्ब! मिस्टर हर्ब! क्या बात है? हमें डीजल की चिंता हो रही है। क्या वो खदान पहुंच गया? इस आंधी की वजह से मैं डीजल से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? बहुत बुरा हुआ। फिर तो वो दुर्घटना डीजल के साथ ही हुई होगी। मिस्टर हर्ब! ओह फिक्स, हमने टोनी को बाहर निकाल लिया है। हम उसे ठीक कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। ठीक है, शाबाश। चट्टान गिरने पर जो ट्रेन फंसी थी वो टोनी था। तो डीजल जवाब क्यों नहीं दे रहा? मिस्टर हर्ब, कहीं डीजल को कुछ हो तो नहीं गया ना? देखते हैं। डीजल, डीजल, सिग्नल नहीं आ रहा। जैसे ही बात होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। बाहर खड़े रहना खतरनाक है, इसलिए अपने क्वार्टर में चले जाओ। जी सर। जीनी, चलो हम डीजल को ढूंढने चलते हैं। लेकिन मिस्टर हर्ब ने हमें क्वार्टर में जाने के लिए कहा है। हम डीजल को ढूंढकर वापस ले आएंगे, मिस्टर हर्ब को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी है डीजल कहाँ है? वो खदान जा रहा था, तो उसी रास्ते पर चलते हैं। ठीक है। टीटी पो, जीनी। सेंटर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा था, तभी मैंने तुम दोनों को देखा। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल हम डीजल को ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि उससे बात नहीं हो पा रही। हमारे बाहर जाने से मिस्टर हर्ब परेशान होंगे, तो उन्हें मत बताना। क्या? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अरे सुनो दोस्तों, ध्यान रखना अपना। टीटीपो, टीटीपो। आखिरकार पहुंच ही गया मैं। डीजल, आंधी की वजह से काम कैंसिल हो गया है, तुम्हें संदेश नहीं मिला क्या? क्या काम कैंसिल? ओ, इस मौसम की वजह से मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा शायद। तुम्हें जल्दी घर वापस जाना चाहिए डीजल। मुझे पता नहीं था कि हवा से चट्टाने भी गिरती हैं। फिक्स और लिफ्ट इस बारे में सच ही कह रहे थे। डीजल, कहाँ हो तुम? अकेला है, उसे ज्यादा डर लग रहा होगा, तो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। डीजल, डीजल, डीजल वापस चूचू टाउन आ गया। डीजल, टिटी और जीनी कहाँ पर रह गए? कहाँ है मतलब? वो दोनों तो तुम्हें ढूंढने गए थे ना? इतनी जबरदस्त आंधी में वो दोनों बाहर गए हैं? तुम एक दूसरे को देख नहीं पाओगे। डीजल, मौसम बहुत खराब हो गया है, इसलिए घर पर इंतजार करो। टीटीपो, जीनी, सेटर, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। डीजल, डीजल, कहाँ हो तुम? मुझे लग रहा है कि डीजल को कुछ हो गया। नहीं जीनी, मुझे विश्वास है डीजल ठीक होगा। हिम्मत से काम लो और उसे ढूंढती रहो। ठीक है। टीटीपो, जीनी, मुझे ढूंढते हुए उन दोनों को कुछ हो ना गया हो कहीं। हाँ, मैं अपना हॉर्न बजाता हूँ, टीटीपो और जीनी शायद उसे सुन ले। कहाँ हो दोस्तों? वो यहाँ पर भी नहीं है। सुनो, ये आवाज कैसी? हॉर्न की आवाज। चलकर देखते हैं। ठीक है। टीटीपो, जीनी,
डीजल। अरे तुम लोग मिल गए। डीजल, वाह, आखिरकार तुम मिल गए। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे भी, जब पता चला कि तुम मुझे ढूंढने गए हो तो मैं बहुत परेशान हो गया। अच्छा हुआ हम सब ठीक हैं। हाँ, शुक्र है। चलो जल्दी से चूचू टाउन चलते हैं। ठीक है। अब बरसात कम होने लगी है, ये अच्छी बात है। अभी हम कंटेनर से टकरा जाते हैं। अब हम क्या करें, इनसे तो रास्ता ही रुक गया है। अब हम चूचू टाउन वापस कैसे पहुंचेंगे? ये बहुत भारी लगते हैं। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आइडिया? टीटीपो, जीनी और डीजल एक दूसरे से जुड़ गए। अगर हम जुड़कर अपनी ताकत मिला लें, तो इन भारी डिब्बों को रास्ते से हटा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, जुड़ने के बाद हमारी ताकत बढ़ जाएगी। ए, आइडिया अच्छा है टीटीपो। अब अपनी ताकत मिलाकर कंटेनर्स को धक्का देते हैं। तो काम बन गया। तैयार हो? एक, दो, हमने कर दिखाया दोस्तों। आइडिया काम कर गया। ओ, ऊपर देखो, सूरज निकल आया। शायद अब आंधी नहीं आएगी। लगता तो यही है। हाँ, अब जल्दी घर चलते हैं। चिंता हो रही है, ये सब लोग कहाँ चले गए? हम वापस आ गए मिस्टर होप। ओह, चलो शुक्र है, तुम सब ठीक हो। बताओ हुआ क्या था? टीटीपो और जीनी मुझे बचाने के लिए निकल पड़े। और फिर डीजल चला गया हमें ढूंढने के लिए। किसी को चोट तो नहीं लगी? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ मिस्टर होप। हम भी ठीक हैं। अब चैन आया। लेकिन तुम लोग बिना बताए क्यों चले गए थे? जी। मैंने तुमसे जाकर क्वार्टर के अंदर रहने के लिए कहा था, कहा था कि नहीं? हम आगे से सब बातें मानेंगे। माफी चाहते हैं हम। जानते हो, शुक्र है डीजल ठीक है, लेकिन खराब मौसम में सबको हमेशा सावधान रहना चाहिए।